व्हाट इज अप गाइस, साइलेंट नाइट हियर और आप सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो में। सो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे भाई आपने माइनक्राफ्ट लीजेंड्स की एक ब्रांड न्यू सीरीज चालू की थी और उसका सेकंड वीडियो लाया क्यों नहीं। तो गाइस, आज मैं वापस आ गया हूँ माइनक्राफ्ट की ग्लिचेस की वीडियो को लेके। सो गाइस, फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते और दिखाता हूँ आपको माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसे ग्लिचेस जो आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेंगे। तो गाइस, सब फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो ग्लिचेस करने वाले हैं उनका सारा का सारा सामान जो हमें लगने वाला है वो मैंने जमा कर लिया, आप देख सकते हो। और गाइस, अगर आपको एक और माइनक्राफ्ट ग्लिचेस की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट कर दो और मैं उसके बाद में वापस आ जाऊंगा एक ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट ग्लिचेस की वीडियो लेके। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वो फ्री है यार, आप लोग कंप्लीटली फ्री में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहला हम लोग जो ग्लिच करने वाले, हम लोग बकेट एंड वाटर ग्लिच करने वाले। ओके, तो आपको ऐसा एक कोई तो तालाब ढूंढना है, नहीं तो एक ओशन ढूंढना है और आपको उधर जाके ये करना है। आपको सिर्फ ना रैंडमली स्पैम करना है क्रिएटिव में मोड में जाके। आप देख सकते हो मैं ऐसे स्पैम कर रहा हूँ और आप देख सकते हो ऐसे बीच में ना वाटर एयर कैविटीज आ रही है। देखो अभी इधर ना बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देख सकते हो इधर पानी नहीं है अभी मैं ये ब्लॉक पे खड़ा हूँ तो। अरे थोड़ा सा इधर, ओके गाइस, तो देख सकते हो अभी इधर बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये मैं पानी में आ गया और ये मैं फिर से ये एम्प्टी स्पेस में आ गया और आप देख सकते हो इधर भी पानी नहीं है। आप ऐसे ना अपने माइनक्राफ्ट में भी ट्राई कर सकते हो एम्प्टी बकेट को लेके। आपको सिर्फ ना ऐसे फास्ट फास्ट ऐसे कलेक्ट करने को ट्राई करना है। अभी आप देख सकते हो इधर मैंने ये ट्राई किया और इधर देखो फिर से दो कैविटीज आ गई और अभी मैं फिर से कर रहा हूँ तो देख सकते हो अभी ओ भाई तीन आ गई, वाह। सो गाइज, ये था हमारा सबसे पहला ग्लिच। तो अभी ये मेरा वाटर बकेट का काम खत्म हो गया तो मैं इसे फेंक देता हूँ भाई, वही कैविटी में जाके गिरा। तो गाइज, मैं अभी आपको फटाफट से सेकंड ग्लिच दिखाता हूँ क्योंकि ये वाला जो ग्लिच है ना गाइज वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है देखने के लिए। तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले इधर मैं एनविल रखता हूँ नीचे और आपको क्या करना है गाइज पता है क्या, आपको अपना नेम टैग है ना वो लेना है इधर और आपको ना ग्रम लिखना है। ओके, तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही सेम टाइप करना है, जी कैपिटल जी आर यू एम एम ग्रम। आप देख सकते हो ग्रम मैंने टाइप किया जी आर यू एम एम, तो मैं इसे कलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास देखो काउ स्पॉन है एक भी है तो मैं इधर ना थोड़ी सी गाय स्पॉन कर देता हूँ। रुको, तो ये आप देख सकते हो मैंने थोड़ी सी गाय स्पॉन कर दी, अभी मैं ये नेम टैग इन पे यूज करूंगा। ओके लेट्स गो। सो गाइस, देख सकते हो ये गाय उल्टी हो गई। ओ भाई ये कितना क्रीपी लग रहा है ना, मतलब गाइस समझो रात को आप सो रहे हो और आपके घर के बाहर ऐसी गाय आके खड़ी हो जाए, भाई मेरी तो फटके चार हो जाएगी एक झटके में और मैं अभी ये सारे काउस को उल्टा कर दूंगा। ओ भाई कितना फनी लग रहा है यार देखने के लिए। ओए एक ये काउ देखो इधर भाग रही है, ये भी डर गई इन लोग को देख के, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग के ऊपर जादू टोना कर रहा है, काला जादू कर रहा है, शर्म नहीं आती। और थोड़ी सी काउ स्पॉन करता हूँ, रुको। ओ भाई साहब, मतलब कितना क्रेजी लग रहा है ना गाइस देखने के लिए। तो मैं इन लोग को भी फटाफट उल्टा कर देता हूँ। ओए उल्टा हो जा, उल्टा हो जा, ओए हो जा, तू तू क्यों सीधा खड़ा है, उल्टा हो जा तू भी। और ये देखो इधर एक बच्चा है, बच्चे को भी उल्टा करते, रुको। ओए बच्चा, बच्चे उल्टा हो, देखो गाइस बच्चा भी उल्टा हो गया। ओ भाई साहब, भाई बच्चा भी कितना क्यूट लग रहा है उल्टे में। ओ भाई, सो गाइस अभी मैं फटाफट से ब्रांड न्यू ग्लिच दिखाता हूँ आपको। तो ये ग्लिच तो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एपिक था यार, आप देख सकते हो उल्टी काउज यार, मतलब क्या लग रहा है यार भाई, मतलब मजे लग रहे थे इन लोग के तो। सो गाइस अभी आपको ब्रांड न्यू ग्लिच दिखाता हूँ। तो आपको ऐसे फ्लावर्स लेने हैं जो ऐसे दो ब्लॉक हाइट के बड़े। ओके, और मैं ये थोड़े से प्लांट कर देता हूँ इधर, ये भी प्लांट कर देता हूँ इधर थोड़े से, और ये वाले भी प्लांट कर देता हूँ इधर। तो गाइज ये आप देख सकते हो ये फ्लावर ऑलमोस्ट मेरे हाइट जितने। ओके, तो आपको ये फ्लावर्स लेने हैं और आपको बोन मिल लेना है और आप इनको बोन मिल करोगे ना तो ये फ्लावर्स ना बहुत सारे फ्लावर्स ड्रॉप करते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे ड्रॉप किए इसने, रुको कलेक्ट करके 24 फ्लावर्स ड्रॉप कर दिए उस फ्लावर ने अकेले। और इसको भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं सेम, आप देख सकते हो बहुत सारे फ्लावर्स गिर रहे हैं नीचे, मैं उन लोग को भी कलेक्ट कर देता हूँ। और इसको भी हम लोग कर सकते हैं वैसे ही सेम टू सेम, और ये भी अल्टीमेट ड्रॉप करते जा रहा है अनलिमिटेड फ्लावर्स बोन मिल करने के बाद, ये नॉन स्टॉप करते रहेगा जब तक आपके पास बोन मिल है। तो गाइज ये भी ग्लिच बहुत सही लगा, अगर आपको बहुत सारे फ्लावर्स की जरूरत है तो आप लोग कर सकते हो। तो भाई, तो ये मैं इतने सारे फ्लावर्स का क्या करूंगा, इन्हें अंदर रख देता हूँ। मैं और दो तीन ग्लिच दिखाऊंगा तो ये वाला ग्लिच भी बहुत सही है देखने के लिए। ओके, तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है पता है क्या, आपको आके ना ऐसे ना अल्टीमेट बहुत ऊपर तक आपको ये बिल्ड करना है। ओके, तो अगर समझो आप बहुत हाइट पे और आपको बहुत ऊपर से जंप करना है जमीन पे। सो गाइज अगर आपने गलती से भी इतनी हाइट के ऊपर से जंप की माइनक्राफ्ट सर्वाइवल मोड में तो आप मरोगे, बट मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसे यूज करके आप लोग
बहुत ऊपर से भी जंप कर सकते हो विदाउट डाइंग। ओके, तो मैं अभी इधर ना सर्वाइवल मोड में चेंज हो जाता हूँ, तो ये मैं गेम मोड, अबे यार गेम मोड, तो गेम मोड सर्वाइवल में चेंज कर देता हूँ खुद को। तो ये सर्वाइवल मोड में मैंने चेंज कर दिया, आप देख सकते हो। और गाइज अभी मैं इधर से जंप करूंगा और विदाउट डाइंग की प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइज आपको करना क्या है पता है क्या? आपको जंप करना है और जमीन के पास पहुंचते ही आपको एस्केप बटन दबा देना है और सेव करके क्विट करना है और बाद में फिर से अपने वर्ल्ड को ज्वाइन करना है। ओके, तो अभी मैं जंप करने वाला हूँ, मेरी भी फट रही है वैसे। तो गाइज आर यू गाइज रेडी? सो लेट्स गो। सो गाइज अभी मैंने जंप किया और मैं एस्केप की बटन दबा दिया, एस्केप की बटन मैंने, और मैं अभी सेव एंड क्विट टू टाइटल कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरा सेविंग वर्ल्ड हो रहा है और अभी मैं ये जैसे ही वर्ल्ड ये सेव हो जाएगा, मैं सिंगल प्लेयर, और आप देख सकते हो मेरा वर्ल्ड का नाम माइनक्राफ्ट ग्लिचेस की दुनिया। तो मैं इस पर फिर से लोड कर रहा हूँ, अभी आप देखोगे मैं मरूंगा नहीं। आर यू गाइज रेडी? देखो गाइज मैं इतने ऊपर से जंप किया था और मैं बिना मरे नीचे लैंड हो गया और रात हो रही है। तो मैं फिर से ना सर्वाइवल मोड में क्रिएटिव मोड में चेंज कर देता हूँ गेम मोड, क्योंकि मुझे दिन करना है, मैं रात में वीडियो नहीं बनाना पसंद करता हूँ। तो ये कर दिया मैंने डे, ओए क्रिएटिव कर दिया मैंने, और अभी टाइम सेट करना है मुझे, टाइम सेट टू डे। ओके, टाइम सेट डे, तो ये मैंने दिन भी कर दिया। मैं मैजिशियन हूँ, मेरे पास ब्लैक मैजिक की बहुत खतरनाक खतरनाक पावर है गाइस। और गाइस अभी हम लोग ब्रांड न्यू ग्लिच दिखाने वाला हूँ अभी आपको। तो गाइस अगर आपको ये वाला जो टेक्निक है पसंद आ गया तो गाइस लाइक करो, क्योंकि मैं भी इतने टाइम माइनक्राफ्ट में जंप करने के बाद मरा हूँ ना भाई, बहुत दुख होता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, समझ के बोल रहा हूँ। सो गाइज अभी हम लोग, मैं ब्रांड न्यू ग्लिच दिखा था आपको। तो अभी आपको क्या लेना है पता है क्या? तो गाइज आपको स्काफ होल्डिंग लेनी थी और गाइज आपको ना ऐसा बिल्ड करना है अल्टीमेट। ओके, जो ये वर्ल्ड की हाइट लिमिट रहती है ना उधर तक आपको ऐसा बिल्ड करना है। सो गाइज ये वाला मैंने अल्टीमेट हाइट तक पूरा बिल्ड कर लिया है और अभी मैं दिखाता हूँ सबसे अमेजिंग पार्ट। ओ भाई ये नहीं, ऊपर से थोड़े थोड़े गिर ही रहे अभी तक, मैंने ऊपर थोड़े से गलती से तोड़ दिए थे, तो मैं इसे फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइज ये मैंने ग्लिच नहीं, ये बेसिकली बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट है। ओके, इसको ना आपको बहुत ऊपर तक बिल्ड करना है और आपको ना नीचे वाला जो स्कैफ होल्डिंग है ना उसको तोड़ देना है। आप देख सकते हो कैसा वो टूटते हुए जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई रॉकेट ऊपर जा रहा है यार, मतलब बहुत सही लग रहा है, मैं भी इसको ऊपर डालूंगा। और गाइज वो देख सकते हो वो अभी तक जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। और गाइज यार स्कैफोल्डिंग की बरसात हो रही है, देख सकते हो भाई साहब कितना सही लग रहा है। और गाइज कभी कभी ये ग्लिच में काम कर भी जाता है, कभी कभी क्या होता है गाइज पता है क्या, ये स्कैफ होल्डिंग खत्म ही नहीं होती, गिरती रहती है, बट मेरे टाइम अभी खत्म हो गई, बट कभी कभी होता है वो, बहुत रेयर है वो वाला ग्लिच, बट होता है। ओके, सो गाइज आप देख सकते हो ये था हमारा फाइनल वाला ग्लिच। सो गाइज दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसी बहुत अमेजिंग अमेजिंग ग्लिचेस की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो पे 300 लाइक एम का टारगेट कंप्लीट कर दो। दैट इज वेरी इजी फॉर यू गाइज, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो बहुत ही आराम से। सो गाइज दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय गाइज, बाय बाय। और वो देखो उल्टी गाय अभी भी उधर उधर इधर उधर जा रही है भाई, देख के बुरा लग रहा है भाई। सो गाइज पीस आउट।